हेलो, मैं हूं अंशुमन और आज मैं बनाने वाला हूं एक बहुत ही खूबसूरत सा फोटो। मैं पिंटरेस्ट पे मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक फ़ोटो दिखा और प्रोक्रिएट में सबसे पहले मैं फ़ोटो दिखाता हूं आपको। वो फ़ोटो है, रेफरेंस ऑन किया, रेफरेंस में इमेजेस एंड इंपोर्ट इमेजेस एंड ये है वो फ़ोटो। लुक एट दिस ब्यूटिफुल। तो ये बनाना शुरू करते हैं हम और बनाते रहेंगे, बातें चलती रहेगी। तो ये रहा सिंपल सा मेरा पोर्ट्रेट का आउटलाइन, इसको जेस्चर पे बोल सकते हैं। तो ये रहे बाल। मैं ये चाहता हूँ कि जो आँख का जो लाइन है, आँख नाक मुंह का लाइन, वो एकदम पैरेलल हो, वो पहले फिक्स हो जाए। भी इसकी अब ये ओवल की जरूरत है नहीं, बाल बन ही गए। तो इस पोर्ट्रेट में आपको भी शायद वही दिख रहा होगा जो मैं देखना चाहता हूँ, जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है चेहरा। नहीं, शी इज़ ब्यूटिफुल, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं चेहरे के कारण में नहीं बना रहा हूँ, वो मैं बना रहा हूँ ऑब्वियसली लाइट के कारण। ये लाइट इतना खूबसूरत है, मतलब कि मुझे ये आउटलाइन, ये मुझे लाइन वेट जो है उसको, उस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो स्किन कलर पर ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है, जो बन गया वो ठीक है। मतलब प्लेसमेंट साइज सही होना चाहिए, बाकी फिनिशिंग करने में कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा फिनिशिंग चाहिए बिकॉज आईज आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट इन एनी पोर्ट्रेट। लिप्स के नीचे के शैडो को मिस नहीं करना है। ये एपल पेंसिल की बहुत खूबी है कि इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा साइड से करने पे चौड़ा हो जाता है ब्रश, और ऊपर टिप से करने से पतला हो जाता है, जस्ट लाइक नॉर्मल पेंसिल। ये वाइट बैकग्राउंड मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा ग्रे करते हैं। यस, इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए, बस गालों पे लाली आ जाए, नाक पे थोड़ा सा गुलाबी आ जाए। फिर से ये जो सारा जो आउटलाइन जो खत्म हो गया है उसको मैं वापस ला रहा हूँ। बाल के कलर को भी थोड़ा सा चेंज करते हैं।
लाइट को थोड़ा सा डिफ्यूज करने के लिए मैं स्मज कर देता हूँ, थोड़ा लाइट इधर भी डाल देते हैं, कोशिश करना, देखते हैं कैसे जाता है। ये कैसा ब्रश है? हाँ ये हुई ना बात। लाइटिंग करके, स्क्रीन करके, यस वो ऐड लेयर बहुत ही खूबसूरत जा रहा है। बट वो अगर मैं ऐड लेयर इसको अगर ऐड किया जाए तो वो यस ऐसा लग रहा है कोई बरी आ गई। हर जगह ऑरेंज से टोन डालते हैं, अच्छी लगे कि बहुत ज्यादा धूप है। तो ये रहा लाइट का स्टडी। लाइट का स्टडी करने के लिए मैं ये फोटो बना रहा था और लाइट अच्छे से कैप्चर हो गया है। चेहरे को और अच्छा किया जा सकता था बट ये मेरा आज का स्टडी नहीं है, आज का स्टडी लाइट था और लाइट मैंने, मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छे से कैप्चर किया है। इसी के साथ मिलता हूँ किसी और अगले स्टडी में। देखते रहिए, टेक केयर, बाय।